जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। और आप जो प्यार और सपोर्ट हमें प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कोई तकलीफ़ या परेशानी से अभी गुजर रहे हैं तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। उसका शुल्क और फीस लागू है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिर्फ एक शब्द जो सब कुछ चीज़ों को आसान कर देगी। ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए और कई सारी समस्याओं से शायद आपको ये बाहर निकाल सकता है। हमारे जीवन में कई सारे तनाव, डिप्रेशन से हम गुजरते हैं, हम आर्थिक क्राइसिस से गुजरते हैं, हमारा व्यापार नहीं चलता है, हमारा प्रेम संबंध खराब हो जाता है, लोगों को हम समझा नहीं पाते हैं, लोग हमें कई बार ठग लेते हैं, मतलब हमारी अच्छाइयों का दुरुपयोग कर लेते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होती है कि हम सही होने के बाद भी खुद को सही साबित नहीं कर पाते और कई बार हमारे खिलाफ़ षड्यंत्र रचे जाते हैं। तो ये जितनी सारी समस्याएं हमारे जीवन में हैं, वो बहुत सारी समस्या है। अगर कोई सी भी समस्या जो आपको आप पर हावी हो रही है, तो मेरा ये जो मंत्र मैं आप इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, इसे आप अपने जीवन में गांठ बांध के रख लें। क्योंकि ये मंत्र से मैं निजी तौर पर भी बहुत मुझे फ़ायदा मिला है, मैं तभी आपको ये बात कह रहा हूँ और आपको भी बहुत ज़्यादा कहीं हद तक फ़ायदा मिलेगा। पर शर्त यह है कि इसकी जो विधि है उस हिसाब से इसे करना होगा। विधि भी कोई ख़ास ऐसी नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, आप बेशक इन चीज़ों को कर पाएंगे। लेकिन उस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, चर्चा को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ, उससे पहले एक छोटा सा मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। आप चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में लिखे ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। और अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। तो हम आते हैं सीधे मुद्दे पर। बात दरअसल ये है कि वो जो मंत्र है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं, वो है कि जब भी ऐसी कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी चीज़ आपके मन में आए, तो सबसे पहले तो आपका निस्वार्थ भाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे मन में कोई छल कपट ना हो, क्योंकि छल कपट से व्यक्ति कभी भी सकारात्मक वे में नहीं जा सकता। और दूसरा, अपने गुरु और अपने इष्ट पर पूर्ण यकीन और श्रद्धा, और अपना ये मंत्र हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज़ घटित हो तो ये कि हमारे भोलेनाथ हैं ना, ये बात याद रखना, भोलेनाथ हैं ना। ये वाक्य जो है, ये शब्द जो है, ये कोई मामूली शब्द नहीं है, ये अपने आप में विस्तृत शब्द है। और इस पर पूरा अखंड श्रद्धा के साथ, जब भी मन में जब आपको अस्थिरता लगे, जब भी आप डगमगाए, जब भी आपको चीज़ें बेचैनी की ओर जाए, तो सिर्फ ये शब्द याद रखना मेरा कि भोलेनाथ है ना, सब ठीक हो जाएगा, भोलेनाथ है ना। और मैं आपसे यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ये पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण यकीन के साथ जब भोले पर कोई चीज़ समर्पित कर देते हैं, वो डेफिनेटली आपके पक्ष में होती है। ना तो कोई आपका बाल बाल कर बिगाड़ सकता है, आपका धन अगर गया वापस आएगा, वो सब सिचुएशनों को आपके पक्ष में कर देता है।